नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजलि सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सेहतनामा में आपका बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंडवा से डेंटिस्ट डॉक्टर दिनेश आरसी गुर्जर, जो दांतों की समस्या और उसके इलाज के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दांतों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं उनको हो सकती हैं, कौन कौन से रोग उनको हो सकते हैं। देखिए, दांतों संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है जी। पहली सबसे कॉमन जिंजिवाइटिस होती है, जिंजिवाइटिस, पेरिटोनाइटिस, एब्रेजन, एट्रेजन, यूरोस्टोमिया, मालोक्लूजन जी। जी, शुरुआती दौर में डॉक्टर साहब कौन सी परेशानियां बच्चों को हो सकती हैं? अगर ज्यादा चॉकलेट बच्चे खाते हैं तो ये भी देखने को मिला है कि उनके दांत जो हैं वो सड़ जाते हैं। इस केस, ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? बच्चों को स्टिकी नेचर वाले फूड से, जैसे कि चॉकलेट, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से बचाना चाहिए। ये स्टिकी नेचर के फूड एसिडिक नेचर के रहते हैं, जिसकी वजह से दांतों में इरोजन, एब्रेजन, एडिजन सारे फॉर्मेशन करते हैं और दांतों में कैरीज वगैरह भी होती है। जी डॉक्टर साहब, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए कि दांतों का जो निर्माण है कौन से प्रोटीन से होता है, कैसे दांतों का विकास किया जा सकता है और दांतों की देखभाल भी सही समय पर हो सके, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। दांत सामान्यतः एमिनोजेनिक प्रोटीन से फॉर्मेशन होता है। एमिनोजेनिक प्रोटीन क्या करता है, दांत के इनेमल डेंटिन को फॉर्मेशन डेवलप करता है। दांत के लिए इनेमल जो पोर्शन रहता है, दांत का आउटर लेयर है, डेंटिन अंदर का पोर्शन है। इनेमल सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है पूरी बॉडी का भी और पूरे टीथ का भी, जो कि मेस्टिकुलेटरी फोर्स को टॉलरेट करने के काम में आता है जी। इसलिए एमिनोजेनिक प्रोटीन बहुत बढ़िया है जी। डॉक्टर दिनेश, ये भी हमें देखने को मिला है, चूंकि आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि दांतों की सफाई नियमित तौर पर नहीं कर पाते हैं, उनके माता पिता भी नहीं ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने ब्रश किया है या नहीं किया है। कई बार बच्चों के शुरुआती दौर में जो है वो कैविटी होना उनको शुरू हो जाती है, दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाती है। कैसे माता पिता ध्यान रखें, कैसे बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें कि उनको डेली जो है वो ब्रश करना है? पेरेंट्स का बच्चों के प्रति अवेयर करना पड़ेगा, उसको डेंटल क्लिनिक लेके जाए, चेकअप कराए और अगर कैरीज वगैरह है तो उसको कैरीज के बारे में पहले बताए कि बेटा टॉफी खाने से, चॉकलेट खाने से कैरीज हो जाएगी, ये कीड़े लग जाएंगे, उसको पहले समझाए। वो समझेगा, फिर डेंटल क्लिनिक जाएगा, डॉक्टर से चर्चा करेगा तो उस दौरान वो समझ जाएगा कि अपन को चॉकलेट, टॉफी इससे बचना चाहिए। अगर इससे बचेगा तभी जाके बच्चे को पेन से बच पाएगा। उसमें क्या है, डेंटल पेन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो छोटे बच्चों में तो बहुत ज्यादा होते हैं, रात में अगर सोते नहीं है, पेरेंट्स भी जगे रहते हैं, इससे डेंटल पेन से बचने के लिए बच्चों को अवेयर करें, जगाएं, उनको बताएं कि बेटा आपके टॉफी, चॉकलेट, जंक फूड्स इनसे दूर रहें और रूटीन चेकअप कराते रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कैल्शियम ये फूड्स वगैरह दें जी। इसके अलावा ये भी डॉक्टर साहब देखने को मिला है कि बच्चों के नियमित तौर पर जो दांत हैं वो भी टेढ़े मेढ़े आते हैं, क्या इसके पीछे कोई वजह देखने को मिली है? क्या कोई वजह रहती है जिसकी वजह से बच्चों के जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, एक के ऊपर एक दांत आना शुरू हो जाता है? हाँ, आजकल देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों के आड़े तिरछे दांत आते हैं। आड़े तिरछे दांत जिनको मालोक्लूजन बोलते हैं, इसके दो कारण है। एक बच्चे जो कॉमन है उनमें बैड हैबिट्स रहती है अंगूठे चूसने की वजह से क्या होते हैं, आगे के दांत पूरे बाहर आ जाते हैं। और एक ओरल थ्रस्टिंग मीन्स क्या है, जबान से आगे वाले दांतों को प्रेशराइज करना, इससे दांत आगे की ओर बाहर हो जाते हैं, जिससे भी दांत बाहर हो जाते हैं। तो ये दो चीजों से बच्चों को डिस्टर्ब करना चाहिए बच्चों को कि बेटा ये नहीं करना है, तो इससे बच जाएंगे। और उसके बाद अगर हो गया है, ये प्रॉब्लम बन गई है, जैसे मालोक्लूजन फॉर्मेशन हो गया है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है ऑर्थो ट्रीटमेंट, वायरिंग वाले ट्रीटमेंट के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है।
इसके अलावा अगर ब्रेसेस लगवाते हैं दांतों को ठीक करने के लिए, दांतों को एकसार करने के लिए, क्या उससे दांत ठीक हो सकते हैं, कितना समय उसमें लगता है, इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए डॉक्टर साहब। दांतों आड़े पिछले दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है जिसको वायर वाला जनरली ब्रेसेस वाला या ऑर्थो ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसमें मतलब सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। इसमें किसी प्रकार से पेशेंट को कोई पैनिक कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। इसका टाइमिंग रहता है करीब 18 महीने से 24 महीने के बीच में, मतलब आप 1.5 साल से 2 साल काम कर सकते हैं और मंथली विजिट रहती है, ईजी प्रोसेस रहती है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ऑर्थोडोंटिक में क्या होता है, आड़े पिछले दांत तो हम सीधे करते ही हैं, लेकिन साथ में क्या है एस्थेटिकली लुक उसका अच्छा भी हम लुक करते हैं, इसका लुक अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, टेस्ट कैसा लग रहा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट को सेटिंग करते हैं हम लोग और टेस्ट काफी वेल हो जाता है और 1.5 साल से 2 साल के बीच में पूरा ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाता है और बहुत कम्फर्टेबल ट्रीटमेंट है। जी जी डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि ब्रेसेस एक प्लास्टिक के भी लगाए जाते हैं और दूसरे ब्रेसेस भी लगाए जाते हैं, दोनों ब्रेसेस में क्या डिफरेंस होता है? प्लास्टिक वाले ब्रेसेस मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार के ब्रेसेस आते हैं जनरली, मेटेलिक ब्रेसेस आते हैं और कुछ कलर ब्रेसेस आते हैं। जी मेटेलिक वाले ब्रेसेस जो रहते हैं इकोनॉमिक रेंज के रहते हैं, जो कि जिनकी कॉस्ट कम रहती है जिसको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और जो कलर ब्रेसेस में क्या होता है काफी उसकी रेंज बहुत हाई रहती है, काफी महंगे होते हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कलर ब्रेसेस का ये फायदा है कि पेशेंट से बातचीत करने के दौरान उसके ब्रेसेस या वायर वगैरह दिखते नहीं है, लोग बहुत अच्छा रहता है, बाकी दोनों का वर्क एक जैसे ही रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि अगर दांतों में दर्द हो रहा है, दाढ़ में अगर दर्द हो रहा है कुछ भी खाने की वजह से, किन कारणों की वजह से वो हो रहा है, अगर उम्र 40 प्लस हो 40 प्लस हो, अगर उस एज में खाने की वजह से दर्द हो रहा है, किन कारणों की वजह से वो होता है? दांतों में सड़न या दर्द होना बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनिशियली स्टार्ट करते हैं जैसे दांतों में ब्रश ज्यादा करने की वजह से, घिस जाने की वजह से सेंसिटिव की फॉर्मेशन होती है, कैरीज की वजह से होता है पेन, लीकली कैरीज की वजह से, जैसे दांतों में सड़न ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है दांतों में दर्द बहुत बनता है, लीकली कैरीज होने की वजह से दर्द बनने की वजह से पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पेन बन रहा है, तो फिर डॉक्टर जाते हैं, उसके बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट है, अपन ट्रीटमेंट उसको करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या घरेलू नुस्खों से वो दर्द को ठीक किया जा सकता है? क्योंकि ये भी कहा जाता है आमतौर पर कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो खास तौर पर ज्यादा आरामदायक भी होते हैं और कारगर भी साबित होते हैं। मैं घरेलू नुस्खों के बारे में तो बिल्कुल मना करूंगा कि घरेलू नुस्खे बिल्कुल भी यूज ना करें। आपको जब भी परेशानी तकलीफ हो आप तुरंत डेंटल चेकअप कराएं, डेंटल क्लिनिक जाके विजिट करें, अगर दांत में समस्या है तो डॉक्टर उसका निदान बताएंगे। घरेलू ट्रीटमेंट में आप एक दर्द की गोली ले सकते हैं, सुबह डॉक्टर को जाकर दिखा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर सेंसिटिविटी की अगर परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है और काफी लंबे समय से इस तरीके की परेशानी हो रही है, तो क्या डेंटिस्ट का रुख करना चाहिए? जी अगर सेंसिटिविटी आपको ज्यादा है, अगर सुपरफिशियली मतलब दांत के ऊपरी भाग में दांत के ऊपर का भाग घिस गया हो, जिसको सुपरफिशियली मतलब इरोजन बोलेंगे या एब्रेजन बोलेंगे, अगर वो होता है तो ये क्या बोलते हैं पेस्ट वगैरह, सेंसिटिव पेस्ट वगैरह से सब्साइड हो सकता है। लेकिन अगर पेन ज्यादा है मतलब ज्यादा एब्रेजन हो गया, ज्यादा जिससे सेंसेशन ज्यादा हो, तो फिर पेस्ट का कोई रोल नहीं है, फिर डॉक्टर इसको रूट कैनाल के द्वारा ठीक कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर ठंडा गरम अगर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मीठा खाने में दांतों में लग रहा है, वो कौन से केसेस में लगता है? क्या इसकी कोई वजह है जो इस वजह से हो रहा है कि ठंडा अगर खा रहे हैं तो दांतों में नहीं लग रहा है, मीठा खा रहे हैं तो दांतों में लग रहा है? दांत में सेंसिटिविटी उसमें बनी रहती है, कंटिन्यू सेंसिटिविटी बनी रहती है, तो इस वजह से हॉट एंड कोल्ड स्टिमुलाई होता ही है, या ठंडा हो या गर्म हो या मीठा हो, तीनों चीजों से जरूरत है कि तीनों एक साथ हो, एक ही तरह भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट रूट कैनाल है, इसको रूट कैनाल कराए, रूट कैनाल करने से दांत का पेन खत्म हो जाता है। जी
इसके अलावा डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे, चूंकि ये भी हमें देखने को मिला है कि आमतौर पर बच्चों के दांतों में भी कैविटी की परेशानी हो जाती है, कैविटी होना उनको शुरू हो जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को ये सारी परेशानियां हो रही हैं और एडल्ट्स में भी ये परेशानियां हो रही हैं, इसके बचाव क्या हैं, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है, क्या दाढ़ या दांत निकलवाना ही एकमात्र सोल्यूशन है? इसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ एक साथ कर लिए हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अगर किसी दांतों में पूरी जगह खाली हो जाएगी, दांत निकलवाना उसका बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर दांत में सड़न नहीं है तो अपन उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत सेव हो जाएगा और आप उससे प्रॉपर सर्विस दे सकते हैं आगे तक। इन फ्यूचर अगर वो ट्रीटमेंट करा हुआ दांत खराब हो जाए तो अपन फिर उसको निकाल सकते हैं। इनिशियल स्टेज में कभी नहीं निकालना चाहिए दांत, जैसे दांत में दर्द हो, सड़न हो, डॉक्टर को दिखाए, अगर वो सजेस्ट कर रहा है रूट कैनाल कराने का तो रूट कैनाल करवा लीजिए। रूट कैनाल से दांत सेव हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है, आप उससे लंबे समय तक वर्क ले सकते हैं, आप उससे खाना चला सकते हैं। अगर रूट कैनाल के बाद में और मेकेनिकली स्ट्रेंथ चाहते हैं, दांत और मजबूत हो जाए तो उसके टॉपिंग में कैटिंग कर सकते हैं, कैटिंग से क्या और स्ट्रांग हो जाता है। यही बात आप जो बता रहे हैं कि दांतों में सड़न से कैसे बचा जाए, तो दांतों में सड़न से बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ हेल्दी डाइट। जैसे दांतों के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी डाइट कैल्शियम, आपको कैल्शियम लेना जरूरी है। कैल्शियम प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर यूज करे, फिर प्रोटीन युक्त नट्स केक यूज करे, फिर फाइबर्स यूज करे, देन फाइबर्स के बाद में आप क्लोराइड, जो कि पानी ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो क्लोराइड एकमात्र स्रोत है पानी का, मतलब क्लोराइड एकमात्र स्रोत है नहीं पानी से एक्सीजन। हेलो जी, जी डॉक्टर साहब। हाँ, मतलब क्लोराइड एक अकेला ही प्रोटेक्टिव है पूरे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, तो ये हमको केवल और केवल पानी से मिलता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लें जी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लेंगे तो उसमें क्लोराइड अपने में ज्यादा से ज्यादा जाएगा, जो कि बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है जी। ये सारी हेल्दी डाइट से भी तरीके नहीं लेगा। फाइबर फूड्स लेने का फायदा ये है कि बायोलॉजिकल ब्रशिंग, तो दांतों की क्लीनिंग के लिए वो ज्यादा जरूरी फाइबर फूड्स, और सेब ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं जी। डॉक्टर आपने रूट कैनाल की बात की है, अगर ये करवा लेते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट फ्यूचर में देखने को मिलता है या कोई मिला है? मैं वैसे तो दांत रूट कैनाल से दांत पूरी तरीके से नॉन वाइटल हो जाता है, उसका दर्द पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट से एक हफ्ते तक हल्का फुल्का सेंसेशन में दर्द हो सकता है, लेकिन रूट कैनाल करने के बाद में दांत का दर्द पूरी तरीके से सबसाइड हो जाता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दांत मतलब रूट कैनाल एक प्रकार का दांत को सेव करने का एकमात्र ट्रीटमेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बात हम पायरिया की करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो इससे जूझ भी रहे हैं, क्योंकि उनके मुंह से गंध आना ये भी एकमात्र प्रॉब्लम उनको हो रही है, पायरिया हो जाना इससे भी लोग जूझ रहे हैं, कैसे इससे निपट सकते हैं, कैसे ये परेशानी दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी जरा बताइए। सबसे पहले मैं आपको पायरिया के बारे में बता देता हूँ कि पायरिया होते कैसे है। दांतों की सफाई की कमी की वजह से होता है, पूरी तरीके से अपन दांतों का ध्यान नहीं रख पाते, प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग नहीं कर पाते, इस वजह से होता है पायरिया। पायरिया में तो आपको मुंह से खून आना, बदबू आना, स्मेल आना, अपन किसी से बात करेंगे स्मेल आएगी, यहाँ तक की दांतों में पॉकेट फॉर्मेशन हो जाता है और नीचे से बोन लॉस, दांतों की जो बोन लॉस है दांतों में हो गए जी। पेरिनाइटिस बहुत कॉमन है जो कि बहुत सारे लोगों में हो जाते हैं, कई लोग तो हेजिटेशन शर्म की वजह से बताते नहीं, डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर की शर्म आएगी मुझे, इस चक्कर में उनके दांत धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पायरिया एकदम से नहीं होता, ये लंबे समय तक डॉक्टर के पास जाते नहीं, शर्म आती है, बताते नहीं, हेजिटेशन होता है कि हम कहाँ बताने से डॉक्टर क्या बोलेंगे, डॉक्टर क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ज्यादातर पायरिया और पेरिनाइटिस के केसेस फीमेल फीमेल पेशेंट्स रहते हैं। फीमेल पेशेंट में क्या होता है, फीमेल पेशेंट हेजिटेशन फील करती है, इस वजह से डॉक्टर्स के पास जाती नहीं है। पायरिया से बचने के लिए मैं एक हो गया है तो उसका इनिशियल, अगर इनिशियल कम पायरिया है तो अपन उसको स्केलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, डीप स्केलिंग करेंगे, डीप स्केलिंग से दांत पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। बट अगर ज्यादा मात्रा में दांतों में मोबिलिटी आ रही, पॉकेट फॉर्मेशन हो गई, अगर पल्स बन रहा है, मुझसे सीवियर गंध आ रही है, फॉल स्मेल आ रही है, तो अब प्लेस सर्जरी की ओर जाए।
लिप सर्जरी से दांतों के पूरे मसूड़े क्लीन कर दिए जाते हैं और पूरी तरीके से दांत मजबूत हो जाते हैं। जिन 6-6 महीने आप डॉक्टर से स्केलिंग कराते रहे, रूटीन चेकअप कराते रहे, दांत पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पाएगा धीरे धीरे कन्वर्ट पूरी तरीके से दांतों को डिस्ट्रॉय कर देगा, पूरी बोन लॉस कर देगा, पूरे गम से पस आना चालू हो जाएगा। और ये जो पस फॉर्मेशन की वजह से पेशेंट का मुंह का स्वाद भी टेस्ट भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। कितने टाइम तक डॉक्टर साहब जो है हमें ट्रीटमेंट करवाना है, और अगर सर्जरी करवा ली है, ट्रीटमेंट अगर करवा लिया है, क्या गारंटी है कि वो कई सालों बाद ये नहीं होगा? मैम, इसमें प्लेट सर्जरी कराने के बाद में ये कोई अमरता का तो वरदान नहीं है। अगर आप मेंटेन नहीं रखेंगे, ब्रश अगर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं रखेंगे, वापिस से हो जाएगा। कोई भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, जैसे फाइलिया है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है, अगर आप इनका ध्यान नहीं रख रहे हो, फाइलिया वाले ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर क्लीन नहीं रखोगे तो वापिस से हो जाएगा। मैं ये प्रोसेस पूरी की पूरी प्लेट सर्जरी, आपकी हाइजीन, आप ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन रखते हैं, आपकी ओरल हाइजीन अगर मेंटेन प्रॉपर रहती है तो आपको दोबारा नहीं होने चाहिए। आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो वापिस से हो जाएगा। उसका कोई सोल्यूशन सर, टेस्ट सर्जरी कराओ, नहीं तो कभी कभी तो पूरे रात भी निकलवाना पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखने को मिला है कि मसूड़े जो हैं, मसूड़ों से भी खून आना शुरू हो जाता है, मसूड़े जो हैं वो कमजोर हो जा रहे हैं, क्या ये भी एक पायरिया का लक्षण है या कोई ये अन्य बीमारी की ओर संकेत करते हैं? मैम, पायरिया की बेसिक पहचान ब्लीडिंग से होती है, जैसे मसूड़ों से खून आना, ब्रश करते समय खून आना, पेशेंट जोर से प्रेस करके थूके बाहर, जाम बाइट करे, एप्पल बाइट करे, केला बाइट करे, किसी भी प्रकार से कोई भी फल फ्रूट खाए या जोर से ब्रशिंग कर ले, उसमें ब्लड आ जाए, ये इनिशियल स्टेज है। ये इनिशियल स्टेज है मतलब पेरोडोंटाइटिस की। पेरोडोंटाइटिस के पहले जिंजिवाइटिस आती है। जिंजिवाइटिस मतलब मसूड़ों से खून आना। कई बार पेशेंट सुबह सुबह ब्रश करता है और उसके मसूड़े इतने खुले हुए रहते हैं, अपने से करता नहीं। कई बार तो पेशेंट डर की वजह से उंगली से करने लग जाता है और उसको ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। जबकि जिंजिवाइटिस होती क्यों है? प्रॉपर ब्रश नहीं करने की वजह से होती है। कई बार तो एक ही टाइम करते हैं, ऐसे बहुत सारे कारण है मैम ब्रश नहीं करने की वजह से जिंजिवाइटिस होती है। तो आपको मेन मैं एक ही बता दूं कि आपको ब्रश करना बहुत जरूरी है। जिंजिवाइटिस से बचना है तो आप प्रॉपर ब्रश करें, और अगर आपको हो गई है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आप डेंटल क्लिनिक जाए, वहाँ पे स्केलिंग करवा लें। स्केलिंग कराने के बाद में डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं कि आप मसूड़ों की मसाज करें, मसूड़ों की मसाज करने से गम्स और हेल्दी हो जाते हैं, यानी प्रॉब्लम सस्टेन हो जाती है। जिंजिवाइटिस ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट डिजीज है, हो सकती है। जी, लेकिन डॉक्टर दिनेश, अगर स्केलिंग करवा ली है दांतों की, अगर स्केलिंग करवाने के बाद अगर सेंसिटिविटी हो गई है कई सालों बाद, ये क्यों होता है? कौन से केसेस में ये होता है? क्या ये कमजोर दांतों की निशानी है? सेंसिटिविटी स्केलिंग के बाद में जो आती है, उन लोगों आती है जो तम्बाकू सुपारी खाते हैं, जिनके दांतों में कैलकुलस ज्यादा मात्रा में, कैलकुलस मतलब एक हार्ड मटेरियल जो ब्राउन कलर का रहता है दांतों में, पीट जिसको पीट भी बोलते हैं, पीट रहती है, पीट जमा हो जाती है और डॉक्टर उसको हटाता है, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरे स्केलिंग करने के बाद में मेरे दांत कमजोर हो गए हैं, दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, मेरे दांत ढीले पड़ गए हैं। उसका ये कहना पड़ता है कि डॉक्टर साहब आपकी सफाई की वजह से मुझे ये हुआ, जबकि डॉक्टर उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल डिपॉजिट है कैलकुलस नाम के, जो डिपॉजिट है उसको हटाते क्लीन करने के लिए, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये कैलकुलस रिमूव कर दिया है तो मेरे दांत ढीले हो गए, मेरे दांत पहले मजबूत थे। जबकि उसको हफ्ते 10 दिन तक ऐसा एबनॉर्मल लगेगा, सेंसेशन फील होगा, हफ्ते 10 दिन बाद सेंसिटिव टेस्ट हम लोग दे देते हैं, पूरी तरीके से सेंसिटिविटी सबसाइड हो जाती है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को क्या टिप्स आप दांतों के लिए देना चाहेंगे ताकि उनके जो दांत हैं वो स्वस्थ बने रहें? बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं बच्चों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उनको जंक फूड से, चॉकलेट, टॉफी, इनसे बचाए, और दूसरी बात स्टिकी नेचर के जो भी फूड्स लेते हैं जैसे बिस्किट्स वगैरह, टॉफी वगैरह, इन शाम के समय जैसे खा लेते हैं बच्चे, तो उसको शाम के समय ब्रश करवाना। सुबह के सारे लोग निर्भर करते हैं, बच्चों में एक डिजीज आई है,
मिल्क फीडिंग सिंड्रोम। जी मिल्क फीडिंग सिंड्रोम वो होता है बच्चे जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते हैं तो बच्चे के सुनने के बाद में क्या होता है उनके मुंह में दूध से कुछ मात्रा रह जाती है जो कि नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत ऊपर और नीचे के दांतों में केरिस फॉर्मेशन करते हैं इसको मिल्क फीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। इससे बचने के लिए है कि बच्चों को ओरल हाइजीन ध्यान रखें। बच्चा बॉटम से दूध पिएगा तो ये चीजें होगी एक ये और दूसरा बच्चे से थंब टकिंग और ओरल ब्रशिंग इससे उसको डिस्टर्ब करे बार बार। कई बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं उससे उसको बचाए उसको डिस्टर्ब करे बेटा आप ये नहीं करना उसको अवेयर करे दूसरे दिन फूड से इससे बचा जा सकता है। बाकी बड़ों के लिए मैं बताता हूँ बड़ों के लिए अगर ब्रशिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हैं तो दांत पूरे तरीके से सही रहेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको ब्रशिंग टेक्निक भी किस तरीके से करते हैं। जी जी इसके अलावा कैविटी से बचा जा सके कैविटी ना हो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और साथ ही कैसे दांतों का ख्याल रखा जाए क्या कुछ खाएं क्या कुछ ना खाएं उसके लिए क्या कुछ कहेंगे क्या कुछ टिप्स? मैम कैविटी का रोल खाने से है। हम जो खाना खाते हैं खाने से फूड पार्टिकल्स है अगर वो दांतों पे रह जाते हैं तो कैरिस फॉर्मेशन करते हैं। इससे अपन खाना खाने के बाद में कुल्ला प्रॉपर करे ब्रश प्रॉपर करे दो टाइम ब्रश करे ये एक मेन मतलब सुझाव है। दूसरा हेल्दी डाइट ले डाइट में जी टी वगैरह ले सकते हैं और दूसरा आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सुंदर तरीके से जो है अपने बात जो है वो समझाई है हमारे दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत यहाँ करने के लिए। तो सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।